गाइस वेलकम माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स राहुल पे एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज आप लोग को लेके जाने वाला हूँ धमतरी से जाऊंगा मिनी गोवा, जो कोना कोना मंदिर भी है। अगर वीडियो बड़ा हो जाएगा तो मैं दो भाग में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो चलिए आपको रूट वाइज भी बतलाऊंगा कि आप कैसे वहाँ तक पहुँच सकते हैं। वैसे तो मैप है अपने पास में, लेकिन कई बार मैप भी धोखा दे देता है, तो आप मेरे वीडियो पर देख के बड़े आसानी से पहुँच सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है अपना सुपेला। सुपेला से मैं जा रहा हूँ गंगरेल डैम के लिए, धमतरी होते हुए निकलूँगा। ये अपना सुपेला का ट्रैफिक सिग्नल सामने में, कुछ ज़्यादा ही भीड़ अभी। भीड़ इसलिए क्योंकि यहाँ पे सामने में बहुत काम चल रहा है, रोड वगैरह की, ओवरब्रिज वगैरह का। हाँ, शुक्र है कि अभी फाटक खुल गया है और मैं यहीं से जाऊँगा मड़ौदा होते हुए जाऊँगा मड़ौदा सेक्टर। ये अपना मस्जिद है सेक्टर 6 का, सामने पेट्रोल पंप। पेट्रोल तो मैंने कल रात को ही डला लिया था क्योंकि प्लानिंग मैंने बना लिया था कि निकलना है। ठंड में घूमने का मज़ा ही कुछ और है। तो ये मैत्री गार्डन भी जाता है, मड़ौदा सेक्टर भी जाता है। तो अपन मड़ौदा सेक्टर होते, यानी कि पाटन होते हुए निकलेंगे धमतरी। आज भी मैत्री गार्डन में बहुत भीड़ रहेगा क्योंकि आज 1 तारीख है। तो ये देखिए यहाँ पे मैत्री गार्डन है। आज 1 तारीख का करके यहाँ पे भीड़ है, पुलिस वाले लोग। ये 1 तारीख के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। तो अपन मैत्री गार्डन तो नहीं जा रहे हैं, सीधा चलते हैं, यहाँ से ले लेंगे राइट। ये राइट ले लिए अपन, अब सीधा चलना, उसके बाद फिर लेफ्ट लेना है। आगे चल के चौक है, वहाँ से लेफ्ट ले लेना अपने को। ये देखिए कितने सारे लोग आ रहे हैं अभी। हमने है ओवर ब्रिज है मड़ौदा का, जो कि मतलब कि 1 साल हो गए होंगे इसको बने हुए। ये देखिए यहाँ पे लिखा है पाटन 25 किलोमीटर, अभनपुर 48 किलोमीटर। तो अभी उतई डुंडेरा होते हुए निकलेंगे। वाह, क्या खूबसूरत सा नज़ारा है। ये देखिए बीच में अपन चल रहे हैं, आउट साइड में पेड़ है। इस तरह का लोकेशन मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। आप लोगों को लगता है कि नहीं लगता मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये उतई पूरा मार्केट है। उतई यहाँ से आप आगे जो मोड़ है वहाँ से अगर आप लेफ्ट लेते हैं तो अब पहुँच जाएंगे उतई, और सीधा चलते हैं तो अभनपुर, रायपुर। यहाँ से रायपुर भी आप जा सकते हैं, नया रायपुर भी जा सकते हैं। तो ये वाला रूट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं रायपुर जाने के लिए, और जगदलपुर भी जा सकते हैं। जगदलपुर यहाँ से 318 किलोमीटर है, जैसे कि बोर्ड में लिखा है। रायपुर है 41 किलोमीटर है, अभनपुर है 42 किलोमीटर है। भिलाईतीन यहाँ से 15 किलोमीटर है, जो कि लेफ्ट की ओर है। राजीम सीधा सीधा है 61 किलोमीटर है। जामगांव है 18 किलोमीटर। तो सीधा चलना है, कहाँ पे मुड़ना है मैं आप लोगों को बतलाते हुए चलूँगा। तो यहाँ पे एक बोल्ड है, यहाँ पे आप लोगों को सीधा राइट ले लेना है। राइट लेते हुए आपको सीधा चलना है गंगरेल डैम के लिए। तारा है रानी तराई 29 किलोमीटर है, पाटन 42 किलोमीटर है, रायपुर 73 किलोमीटर है। तो सीधा चलते हैं क्योंकि मैं जो जा रहा हूँ ये मैप के थ्रू जा रहा हूँ, और रोड बहुत अच्छी है। यहाँ पे गोदाम है, ये देखिए अनाज का, और सब बच्चियाँ भी स्कूल जा रही हैं। तो ये देखिए मस्त स्कूल है यहाँ पे, बढ़िया लग रहा है, पहली बार आ रहा हूँ इस साइड में। तो ये देखिए गांव है, ये बैलगाड़ी चल रही है, और सीधा सीधा चलना है। रोड थोड़ा सा यहाँ पे ख़राब है और एक पुलिया पड़ा अपने को, ख़राब रोड मतलब कि 1 किलोमीटर होगा, उसके बाद अभी देख सकते हो कि बहुत अच्छी रोड आने वाली है। तो रोड अच्छी है, 1 किलोमीटर बस ख़राब मिला था। अब ये देखिए, ये अब बाइक भगाता हूँ मैं क्योंकि जल्दी जाना, क्योंकि हम लोग लेट हो गए हैं। यहीं पे 11:30 हो चुका हम लोगों को। तो यहाँ पे एक चौक है, सीधा ही सीधा चलना है अपने को। तो ये देख लीजिए धमतरी यहाँ से 42 किलोमीटर है, रानी तराई 10 किलोमीटर है। ये है पूरा जाम गांव। तो सीधा चलते हैं, यहाँ से धमतरी दिखला रहे हैं 34 किलोमीटर। तो ये वाली रोड अपन पकड़ते हैं, चलिए सीधा सीधा चलना है, कहीं नहीं मुड़ना। रोड की कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप कभी भी आप आते हो तो आपको ख़राब रोड बीच में एक दो दफ़ा मिलेगा, लेकिन उसके बाद जो रोड मिलेगी ना, अब मक्खन रोड है। तो अपन पहुंच गए हैं बेलहारी,
ये बेलहारी है, सीधा ही चलना है। पाटन जाने वाले हैं लेफ्ट साइड, अगर पाटन जाना चाहते हो तो। हमको चलना है धमतरी। यहाँ पे आई साइड में पूरे खेत खलियान और जो सड़क है ये देख सकते हो पतला हो चुका है, यानी कि सिंगल रोड हो गया है। 6 से 7 किलोमीटर में चल गया हूँ, लेकिन रोड जो है कंडीशन अभी तक ख़राब ही है। मान के चलो 10 किलोमीटर के आसपास में ये रोड ख़राब मिलेगा ही मिलेगा। तो ये देखिए इतने सारे गाय हैं जो रोड को जाम कर दिए हैं, और यहाँ पे एक ट्रक भी आ रहा है। तो अपन आ गए हैं अच्छी वाली रोड में, यहाँ से ले लेंगे अपन लेफ्ट, सीधा चलते हैं। अब अच्छी रोड मिल गई है तो अब भगाएंगे भाई, कंटिन्यू करना है अपने को। यहाँ से गूगल के थ्रू अपन जा रहे हैं। धमतरी में पहुँच गया हूँ, यहाँ पे मैं नाश्ता करने वाला हूँ। यहाँ पे गर्मा गर्म निकल और पकौड़े निकल रहे हैं, समोसे निकल रहे हैं, तो यहाँ पे नाश्ता करता हूँ, उसके बाद फिर चलेंगे यहाँ से गंगरेल डैम के लिए। ये देखिए समोसा निकल रहा है यहाँ पे गर्मा गर्म। चलो ये सब खाता हूँ मैं, ये अपना समोसा। धमतरी में ये वाला जो चटनी है बहुत ज़्यादा फेमस रहता है, ये लाल चटनी खाते हैं। नाश्ता गर्मा गर्म था, अपन बहुत तगड़े से खा लिए, पेट ऑलमोस्ट मेरा भर गया है। अब यहाँ पे चाय पीते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं गंगरेल डैम के लिए। ये जो चौक आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से अपन जाएंगे तो फिर से रायपुर होते हुए निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ से अपन को ले लेना है राइट, और राइट चलते हैं अपन। मैंने गाड़ी पार्क कर दिया है और यहाँ पे गाड़ी का कोई चार्ज नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी फिलहाल तो भीड़ है, आपको भीड़ नज़र आ ही रहा होगा। रोड किनारे खड़े नहीं रहेंगे, चल रहा है यहाँ पे, आपको दिखलाता हूँ बैक कैमरे से। तो यहाँ से अपन आप ले लेंगे लेफ्ट की ओर, और यहाँ पे सब आए हुए हैं, देख सकते हो आपको नज़र आ रहे होंगे। तो सब घूमने के लिए आए नया साल में। यहाँ से चालू हो जाता है गंगरेल डैम, सामने में ही आपको सीधा सीधा नज़र आ रहा है, लेकिन वो अभी फ़िलहाल मेरे को नज़र आ रहा है कि बंद है, परमिशन लेना पड़ेगा शायद। ये देखिए सब जा रहे हैं, को दिखलाते हैं मिनी गोवा। तो ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे, ये देखिए सब जा रहे हैं उस साइड, अपन भी चलते हैं। वाकई में लग रहा है कि गोवा आ गया हूँ करके, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। ये मेरा सेकंड टाइम है जब मैं यहाँ पे आया हूँ। जब मैं आया था तो ये इस तरह से घेरा नहीं था, पूरा खाली मैदान था, इस तरफ से कोई भी आना जाना कहीं से भी कर रहे थे। तो उस समय मैंने बोला हुआ था कि यहाँ के प्रशासन है वो यहाँ पे ध्यान दे, तो शायद ये सब ध्यान दिया गया है और एक ही रोड बनाया गया आने जाने के लिए। ये देखिए सब यहाँ पे आप खाने पीने का सामान उपलब्ध है, जिसको जो खाना है पीना है। सामने आपको नज़ारा दिख रहा है, ये देखिए क्या खूबसूरत सा नज़ारा है। इस साइड चलते हैं, इस साइड से देखते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है 14 गेट है, ये इसी के नाम से ज़्यादा फेमस है धमतरी गंगरेल डैम के नाम से। पूरा जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक पूरा पानी है यहाँ पे। इसको इसीलिए मिनी गोवा के नाम से बनाया जा रहा है, ताकि ये गोवा वाली फीलिंग देता है करके, और लोग यहाँ से आना जाना सब कर रहे हैं। ये देखिए वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो अपन वहाँ भी जाएंगे, पहले यहाँ देख लेते हैं यहाँ से। सच में देखने लायक है ये मिनी गोवा, धमतरी गंगरेल डैम दोनों नाम से जानते हैं, अधिकतर तो सब इसको गोवा के नाम से जानते हैं, छोटा गोवा। तो चलिए आप लोगों को दिखलाते हैं छोटा गोवा। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे में, ये टॉयलेट है जिस तरह से बनाया गया है, यहाँ जो लोग आना चाहते हैं उसके लिए अभी, यानी कि काम यहाँ पे चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे सब काम अभी चल रहा है, पेंडिंग पड़ा हुआ काम। यहाँ पे कॉटेज भी है, आप यहाँ आके रुक भी सकते हैं, तो मैं आपको दिखलाता हूँ कॉटेज जहाँ पे आप इजीली रुक सकते हो, कपल्स भी रुक सकते हैं, फैमिली भी रुक सकते हैं, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। चार्जेस है यहाँ से मैं पता किया हूँ तो 8,000 रुपये चार्जेस है एक नाइट का। तो चार्जेस थोड़ा हैवी है क्योंकि अभी स्टार्टिंग हुआ है करके, थोड़ा सा पूरा नज़ारा है आप देख सकते हो, इतने ज़्यादा लोग आए हुए हैं आज। ये देखिए क्या गजब का माहौल है यहाँ पे, टिकट काउंटर वहाँ पे है, टिकट सब ले रहे हैं। सच में आप आओगे यहाँ पे तो आपको फीलिंग आ ही जाएगी कि यहाँ पे जो गोवा जो फीलिंग है, जो आप आज तक जो गोवा नहीं गया है उन लोगों को तो ये अपना छत्तीसगढ़ का ही गोवा लगेगा ये, क्योंकि मैं भी नहीं गया हुआ हूँ। और बहुत खूबसूरत सा बनाया गया, ये देखिए बच्चे का हाथ पकड़ के रखे, और यहाँ पे पुलिस प्रशासन बहुत अच्छा है।
सबका ध्यान रख रही है। और एक बार आप पेरेंट्स हैं देता हूँ, ये देखिए बच्चे को इधर उधर ना छोड़े, वहाँ पे प्लीज धीरे। गंगरेल डैम है, मिनी गोवा के नाम से जानते हैं सब आज के डेट में, क्योंकि इसको गोवा के तर्ज पे बनाया जा रहा है। सामने काउंटर है जहाँ पे आप बोटिंग वगैरह का आप टिकट ले सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे लकड़ी का बनाया गया है, जो फ़ोटो जो लेने के शौकीन है वो इस तरह से बैठ बैठ के फ़ोटो वगैरह भी ले सकते हैं। यहाँ पे बैठने का यहाँ पे चेयर भी लगा हुआ है, बहुत अच्छा एरिया है और बहुत गजब का लग रहा है। चलिए आप लोगों को पास चल के दिखलाता हूँ बोटिंग, यहाँ पे कौन कौन से बोटिंग है वो दिखलाता हूँ, उसके बाद फिर अपन कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल भीड़ है टिकट काउंटर में, तो जब खाली हो जाएगा तो अपन भी ट्राई करेंगे। देखिए रेत भी छाया गया है नीचे में, सब इस तरह से सब आना जाना हो रहे हैं, तो अपन भी चलते हैं। पास दिखलाता हूँ आप लोगों को बोटिंग, ये देखिए क्या गजब का नज़ारा है, तबाही भीड़ है। उस साइड भी देख सकते हो, उस साइड भी भीड़ है, आज तो माहौल है भाई। मैं टिकट की यहाँ अंदर जाने नहीं देता, तो मैं आपको दूर से दिखलाऊंगा। इस तरह से आपको 500 रुपये में आपको घुमाया जाएगा एक व्यक्ति को। देखिए एक और जा रहा है भाई, तो ये देखिए इस तरह से आपको घुमाया जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा तबाही है भाई। बैठने का मन है यार, लेकिन डर भी लगता है, क्या गजब का नज़ारा ये देखिए। वाओ, जो घूमने वाले लोगों को कितना मजा आता होगा, क्या नज़ारा है। फिर से आ रही सर, देखिए आप और फीलिंग करिए। तो एक और ये है जो आप लोग जा सकते इसमें बैठ के, और इसके भी चार्जेस हैं वही, अगर फैमिली ग्रुप जाते हैं तो 1800 रुपये पड़ जाएगा आप लोगों को। ये पूरा एक राउंड लेके आएगा, यानी कि आधा घंटा लग जाएंगे आपको। एक बार फिर से निकल चुकी है, देखिए यही सबसे अच्छा लग रहा है। ये देखिए ये भी है 1200 रुपये का है। चार्जेस मतलब कि आज नया साल है करके बढ़ गया है थोड़ा सा, क्या नज़ारा यार, घूमने में कितना मज़ा आता होगा। ये देखिए ये वाली सबसे अच्छी लगी मेरे को, ये जो आ रही है ये। इतने सारे लोग आए हुए हैं इस बोटिंग का लुत्फ़ उठाने के लिए, गोवा के तर्ज पे वाकई में लगेगा आप लोगों को फीलिंग, क्या पूरा को पूरा वही लगेगा कि यहाँ जो गोवा जैसा पूरा बनाया गया है। ये देखिए पूरा माहौल इस तरह से है। तो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा, अब आगे बढ़ते हैं, आगे दिखलाते हैं आप लोगों को। बैठने की कोशिश करूँगा इसमें, हालांकि 100 रुपये वाले में ही करूँगा, लेकिन करके देखते हैं अपन। अपन भी ट्राई करेंगे एक बार कैसा माहौल है और कैसा फीलिंग आता है, ताकि मैं आप लोगों को एग्जैक्ट बता पाऊँ और कितने मिनट यहाँ पे घुमाया जाता है। ये वाला सेक्शन तो मैं आप लोगों को दिखला दिया हूँ, अब आगे बढ़ते हैं, आगे हम आप लोगों को दिखलाते हैं वो वाले एरिया में चलते हैं, वहाँ भी है बोटिंग का। तो ये जो है 100 रुपये में है, तो इसको भी अपन देख लेते हैं कि पूरा फुल तो हो गया, अब चलने की बारी इसकी भी। चलिए ये जो है आप लोगों को आधा घंटा लेके जाएगा, यानी कि वही आधा घंटा बोलते हैं लेकिन 25 मिनट में वापस ले आते हैं। इसका एक व्यक्ति का 100 रुपये चार्जेस है, जो आपको पूरा वहाँ तक घुमा के लेके आएगी एक राउंड मार के। नेक्स्ट बुकिंग चालू हो चुकी है, जिनको जाने हो। इसे में बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। एक और आ रहा है, ये देखिए इसका चार्जेस मुझे नहीं पता है। यहाँ पे साइकिल वाला भी है जो मैं आपको दिखलाने वाला हूँ, साइकिल अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो उसके लिए उसके भी 100 रुपये चार्जेस है। ये देखिए वो गेट है मैं आपको जो दिखलाया, पहले वहाँ भी अपन जाया करते थे जब मैं स्कूल था, मैडम लोग जब पिकनिक लेके आते थे तो वहाँ पे एक गार्डन जैसा बना हुआ है, वहाँ पे लेके जाते थे, वहाँ पिकनिक मनाते थे, लेकिन पता नहीं किसी भी रीजन से यहाँ पे बंद कर दिया गया है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये साइकिल वाला है, ये देखिए ये भी 100 रुपये है दो लोग के लिए। सब जा रहे हैं, मैं तो नहीं जाऊँगा जूता पहना हुआ। ये देखिए नज़ारा, सब वहाँ पे मुँह हाथ धो रहे हैं। पहले जब मैं आया था तो यहाँ से भी आने का था रास्ता, लेकिन यहाँ पर पानी भर गया है, पानी छोड़ा होगा। ये है साइकिल वाला,
ये देखिए यहाँ कभी आप लोगों को मैं दिखला दिया हूँ, अब आगे और देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो दोस्त है अपने किसी दोस्त से बातचीत कर रहे हैं, तो उसको मैं बोलूँगा थोड़ा जल्दी जल्दी करे, ताकि यहाँ का और कुछ जगह हैं जो मैं देखा था नेट पे, ओना कोना करके मंदिर है वो भी आप लोगों को दिखलाऊँगा। अगर वीडियो बड़ा हो जाएगा तो मैं दो भाग में कन्वर्ट कर दूँगा। इतना ठंडी होने के बावजूद भी गर्मी लग जा रहा है, यहाँ पे सब बैठ रहे हैं। अभी मैं रेत में चल रहा हूँ और पूरा पैर ना धंस जा रहा है। यहाँ पे सब देखो सब बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं बैठ के। तो उसके पास जाना पड़ेगा दोस्त के पास में, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी 2:30 बजने वाला है। चलिए आपको मिनी गोवा पूरा दिखला रहा हूँ गंगरेल डैम का। फाइनली मैं यहाँ पे टिकट ले रहा हूँ, तो हम सब अभी 6 लोग जाएंगे बोटिंग करने के लिए, तो अभी टिकट ले रहे हैं सब। और चार्जेस मैं आप लोगों को यहाँ का दिखला देता हूँ कितना कितना चार्जेस है। प्राइस है गंगरेल डैम का जो आप इजीली घूम सकते हो, 500, 800, 1500, 1200, 2000, ये सब प्राइजेस है। नाम भी आप देख लीजिए क्या क्या है। काउंटर है, इतने सारे लोग आए हैं सब टिकट लेने के लिए। धूप इतना है कि साला सहन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर मैं बैठ गया हूँ, थोड़ा सा विश्राम करता हूँ। उसके बाद टिकट ले रहे हैं सब, यहाँ पे टिकट काउंटर भी है, तो टिकट ले रहे हैं। तो लेने के बाद फिर चलेंगे एंजॉय करते हुए, आप लोगों को भी दिखलाऊंगा। इसलिए अपन अंदर आ गए हैं बोटिंग के, तो अधिकतर मैं बाहर में ही रहता था। 100 रुपये का टिकट लगा है और ये तकरीबन 20 से 25 मिनट यहाँ पे घुमाया जाएगा। मैं आप लोगों को बोट दिखलाता हूँ। ये देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है, यही वाली बोटिंग है जिसमें अपन बैठने वाले हैं। 100 रुपये चार्जेस है एक व्यक्ति का, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, देख लेते हैं भाई। तो ये पानी है, ये सब बोटिंग है, ये नाव है, माहौल देखिए, ये सब बैठे हुए हैं, ये देखिए। अपन भी चलते हैं, देखिए इतने सारे लोग बैठे हुए हैं बोटिंग का मजा लेने के लिए। उसका हैंडल है जहाँ पे मोड़ा जाता है, देखिए तैयार हो गया अपना, चलते हैं। चली पड़ी अपनी, देखिए नजर जा रही है वहां तक पूरा पानी ही पानी है। और अभी हम सब जा रहे हैं यहाँ पे, देखिए अब कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। घूम फिर लिए अपन, यहाँ का नज़ारा आप लोगों को मैं दिखला देता हूँ। सब निकल रही है, देखिए ये देखिए यहाँ पे सब नाव पे जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, उतना मज़ा नहीं आया जितना मैं सोचा था, लेकिन कोई बात नहीं। ये इस तरह से नज़ारा है पूरा, ये देखिए सब नाव में जा रहे हैं, इसी में ज़्यादा मज़ा है। निकला जाए यहाँ से, राइडिंग तो किया है, उतना मज़ा तो नहीं आया मुझे, बट ठीक है एक बार के लिए। फैमिली के साथ अच्छा है, फैमिली के साथ अगर बच्चे बच्चे हैं आप लोगों के पास में, तो ये वाला राइडिंग अच्छा है। अभी देख सकते हो कितना भीड़ है, ये देखिए। आपको ये गंगरेल डैम का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, को लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।